परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा साहब संवेदी तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी त्रिलोचन सिंह जी के बेबकती अकाल चलाने का समुचे सिख जगत में बहुत वड्डा घाटा पिया। उन्होंने इस पावन पवित्र तख्त साहब ते बहुत लंबा समा रह करके बहुत वड्डियां सेवावां निभाईआं। देश और विदेशों की धरती पर जाके सिखी के प्रचार प्रसार लिए भी वड्डे यतन किए। गुरधामां की भी अपने हथीं संत बाबा सेवा सिंह जी के पास रह के सेवावां करते रहे और जदों तो इस पावन पवित्र तख्त साहब जी के पावन पवित्र सिंह साहब की पदवी ते सुभाजमान होए उदों तो लैके अज तक उन्होंने एक ऐसी विलखण सेवा की है कि उन्होंने सत्कार लिए अज समुचा सिख जगत समुचा संत समाज निहंग सिंह जथेबंदियां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी अकाली दल और धार्मिक हस्तियां अकाल सेवा वाले महापुरुष वड्डी गिणती दे विच और सिख संतां दा बहुत वड्डा इकट्ठ उन्हां दी अंतम संस्कार की यात्रा दे विच अज शामिल हो रहा। इस लई उन्हां दी शख्सियत निर्विवाद धार्मिक शख्सियत सी उन्हां दे जाण नाल बहुत वड्डा पंथ नूं घाटा पिया। एक बड़े महापुरुष थे और छोटे थान तो आके इतने सेवा करके एडे बड़े स्थान पर पुजे ये उन्होंने अंदरूनी गुणा का विकास। गुरु ग्रंथ साहब के बारे बाकी धर्म के बारे उन्होंने बहुत ज्ञान से बाकी मजहबों का भी ज्ञान से और वो गुरु ग्रंथ साहब की एक एक शब्द का किमें व्याख्यान करना यदा उन्होंने पूरी ज्ञान और सब तो बड़ी गल है कि बड़े विनम्र और सादगी वाले थे। कोई भी उन्होंने निमंत्रण दिता सी कोई इनवाइट करता सी जाते सी कोई गरीब बुला तो गरीब के भी जाते सी अमीर के भी जाते सी साधारण व्यक्ति भी जाते सी और इतने तक कि उन्होंने कदे नहीं सोचा भी इतने संगत घट है कि वध और अगर गरीब से जाके किसी ने कहा भी सिंह साहब जी तुम अरदास करा दो उत्तर अरदास भी करा देते। सो इन्नी उन्होंने सिखी के प्रति कमिटमेंट से इतने रह के आनंदपुर साहब जो खालसा की जन्मभूमि है उन्होंने बड़ी सेवा की है इतने की मर्यादा रखे और बहुत लोगों को अमृत छका के उन्होंने चंगे रस्ते पाया। उन्होंने जाने का जिते सिख जगत घट पी है इस इलाके में बहुत बड़ी घट पी है। मैं जाति तौर पर महसूस करता कि मेरा अच्छा सोच चल।